हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग एक केमिस्ट्री का बहुत ही नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपने बहुत से वीडियो में एसिड की रिएक्शंस पढ़ी हैं, बेस की रिएक्शंस पढ़ी हैं, सॉल्ट की रिएक्शन पढ़ी हैं, लेकिन ये सभी रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो मास कंजर्वेशन के हिसाब से रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और बिना बैलेंस की अगर आप रिएक्शन लिख दें अनबैलेंस तो वो गलत मानी जाती है। और इसको कई बार स्टूडेंट्स को ये बहुत प्रॉब्लम फेस होती है कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं, डिफरेंट तरीके से करना पड़ता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, जिससे आप जो जनरल रिएक्शन है, छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, क्लास 10 तक की सभी रिएक्शंस को उनके द्वारा आप बैलेंस आसानी से कर सकते हैं। बस आप ध्यान से उस ट्रिक को सुनिएगा। हम आपको ज़्यादा कोई डिटेल या ज़्यादा रूल नहीं बताने वाले कि पता पड़े हम 10 रूल उसको लिखवा दें और आपसे बैलेंस हो नहीं रही, वो सब नहीं बताएंगे। ये तो आपको पता है कि कोई भी दो चीज़ें होती हैं रिएक्शन में, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। जैसे हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं, इसको ZnSO+O2, ये बनाता है ZnO+SO2। तो इसमें रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं। तो जो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये जितने भी एटम हैं, ये दोनों साइड कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एटम्स के क्या होने चाहिए, इक्वल। तो इसके लिए एक रूल देखिए क्या है, हम क्या करते हैं, उसके लिए ट्रिक आप इस्तेमाल करिए। ये ट्रिक से आपकी सभी रिएक्शन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। देखिए आप कैसे, सबसे पहले तो क्या करना है, बिगेस्ट मॉलिक्यूल सिलेक्ट करना है। कौन सा मॉलिक्यूल, बिगेस्ट। अगर आप बिगेस्ट मॉलिक्यूल सिलेक्ट करेंगे तो आपकी रिएक्शन आसानी से सॉल्व हो जाएगी। बिगेस्ट मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करिए और पहले उसको बैलेंस करिए। दूसरा क्या करना है कि जो आपका गैसियस, आप ध्यान से देखिएगा, जो गैसियस मॉलिक्यूल है, गैसियस मॉलिक्यूल है कैसा, सिंगल। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, गैसियस मॉलिक्यूल कैसा है, सिंगल। उसको आप कन्वर्ट करिए किसमें, मॉलिक्यूल टू, ये जो मॉलिक्यूल है इसको आप कन्वर्ट करिए एटम में। आप मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करिए एटम में बस, और ये हो गई आपकी प्रोसेस बिफोर बैलेंस। आपको मॉलिक्यूल को एटम करना है, और आफ्टर बैलेंस क्या करना है आपको, एटम टू मॉलिक्यूल बनाना है। अब आप देखिए, हम मॉलिक्यूल को एटम में बनाएंगे और फिर एटम को मॉलिक्यूल में बनाएंगे, और इस तरह से हमारी रिएक्शन पूरी बैलेंस हो जाएगी। अब हम आपको बैलेंस करके दिखाएंगे रिएक्शन, और आप यही रूल फॉलो करेंगे। हम देखिए आप कैसे बैलेंस होती है। हम आपको सिंपल और टफ दोनों प्रकार की रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस करके दिखाएंगे, और आप इसको प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करिए, वीडियो देखिए बार बार और इसको प्रैक्टिस करिए। आप 3-4 बार वीडियो देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये रिएक्शन आसानी से सीख जाएंगे, गारंटी के साथ। देखिए आप आसानी से देखिए, और कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट जरूर करिए, हम आपको वो दिक्कत आपकी दूर कर देंगे और उसको भी बता देंगे अगले वीडियो में या उसी कमेंट में के माध्यम से बता देंगे। देखिए आप कैसे, सबसे पहले हम लोग, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा है इसमें, सबसे बिगेस्ट ये है और ये है, या इसको मान लीजिए। तो ये इसमें एक, अब देखिए ठीक है, अब बैलेंस देखिए क्या है, इसमें ZN है बैलेंस। सबसे पहले मेटल है, इसको बैलेंस कर लीजिए, ये बैलेंस है, ओके। तो हटाइए इसको, सल्फर बैलेंस है, हटाइए। ओ बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 ओ हैं, यहाँ पे 2 ओ हैं। अब हमने क्या बताया था, गैसियस मॉलिक्यूल है ये, सिंगल। तो इसको एटम में बदलिए, देखिए कैसे, ZnSO2 है, यहाँ O लिख दीजिए और यहाँ पे सेम लिख दीजिए ZnO+SO2। अब आप देखिए,
यहां पे तीन एटम है ओ के, यहां पे सिंगल है, तो आप क्या करिए यहां पे तीन ओ लिख दीजिए, थ्री ओ, और यहां पे जेड एन ओ प्लस एस ओ टू, ठीक है। अब देखिए हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ये बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन, ध्यान से देखिए बैलेंस है रिएक्शन। अब ये बैलेंस रिएक्शन में क्या करना है आपको, ये एटम में कन्वर्ट किया था, अब बैलेंस रिएक्शन को में एटम को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करिए, तो यहां पे हमको मॉलिक्यूल में यहां पे इसको इवन नंबर में लाइए। क्या करना है, एक चीज और पॉइंट आ गया, बैलेंस रिएक्शन को किस में लाना है, अब ये एटम को एटम ब्रिंग इन, ब्रिंग टू इवन नंबर, कौन सा नंबर, इवन नंबर, आप ये देखिए इवन नंबर, ये ऑड नंबर है, इसको इवन नंबर में लाइए। अब आप देखिए हम इसको इवन नंबर में कैसे लाते हैं, इसमें करो आप टू का मल्टीप्लाई, आप दो का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, जेड एन एस प्लस सिक्स ओ, जेड एन ओ प्लस एस ओ टू, तो यहां पे टू टू लिखिए सभी जगह, टू टू का मल्टीप्लाई पूरे में हो रहा है, पूरे में, ठीक है। अब ये हमारा एटम हो गया इवन नंबर में, ये क्या था ऑड नंबर, ये क्या है इवन नंबर, बस। अब इसको आप कन्वर्ट कर दो मॉलिक्यूल में, देखो 6O को हम क्या लिख सकते हैं, 2ZnS, 6O को हम लिख सकते हैं 3O2, 6O को लिख सकते हैं 3O2, और ये आपकी रिएक्शन हो गई है बैलेंस, ठीक, ये हो गई बैलेंस। सीख गए आप मेथड, इसको आप प्रैक्टिस करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए और इस तरह से प्रैक्टिस करिए, बार बार देखिए हमने क्या किया। मॉलिक्यूल को समझा देते हैं, मॉलिक्यूल को एटम में, फिर एटम में हो गया, अब हमने सब पूरी रिएक्शन बैलेंस कर ली, इस एटम को बैलेंस हो गई, ये ऑड नंबर में है, ऑड नंबर को बदल लो किसमें, इवन नंबर में, किस में बदल लो, इवन नंबर में, लिख लो यहाँ इवन नंबर, तो इवन नंबर 6O कर लिया, बस 6O को कन्वर्ट कर लो मॉलिक्यूल में और ये आपकी रिएक्शन बैलेंस। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, देखिए PbNO3 होल ट्वाइज इक्वल टू PbO प्लस NO2 प्लस O2, PbONO2 प्लस O2। अब आप देखिए क्या करना है, PbNO3O2 प्लस, अब ये देखिए वही चीज है, अब ये O2 है, इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, आप कन्वर्ट कर लो एटम में, PbO प्लस NO2O, ठीक है, मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट किया, ये मॉलिक्यूल है, क्या हो गया ये एटम। चलिए अब बैलेंस करते हैं, पीवी बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं, एन यहां कितने हैं, दो एन है, दो एन है, यहां एन कितना है, यहां एक है, तो दो कर लीजिए। चलिए इसको बैलेंस करना है, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल यही है ना, तो हम लोग इसी को ले रहे हैं, PbNO32, PbO प्लस 2NO2O, एन बैलेंस हो चुका है, अब O बचा है, O कितने हैं, 6 हैं, यहाँ यहाँ कितने हैं, 2, 4, यहाँ भी 6 हैं। चलिए तो ये बैलेंस हो गई है रिएक्शन, ठीक है, क्या हो गई है, बैलेंस हो चुकी है, बस यहाँ पे ऑड नंबर है, वन नंबर क्या होता है ऑड, इसको कन्वर्ट करिए इवन नंबर में, तो इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई आप पूरे में करिए, तो देखिए 2PbNO3 होल ट्वाइज PbO, 2PbO प्लस 4NO2 प्लस 2O, 2O को आप लिख दीजिए O2, ये एक ही चीज है, और देखिए आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है, देखिए ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ये 2O को 2O को हमने क्या लिख दिया, O2 लिख दिया, ठीक है, इसको हमने O2 लिख दिया, एटम को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया और रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। आप देखिए ध्यान से और प्रैक्टिस करिए,
इसको O को हमने O2 में कन्वर्ट कर दिया, तो एक ही बात है, रिएक्शन बैलेंस है। चलो अब हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको एक बड़ा एग्जांपल ही बताएंगे और आपकी सभी प्रॉब्लम बैलेंसिंग से संबंधित आपकी दूर हो जाएंगी अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एक आध एग्जांपल और ले लें, और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। चलो एक एग्जांपल ये मिल गया, एफ ई प्लस एच टू ओ, एफ ई की रिएक्शन एच टू ओ से कराओ तो ये बनाता है एफ ई टू ओ थ्री प्लस एच टू गैस निकलेगी। ये स्टीम में होगा, किसमें होगा, ये स्टीम जब लगाएंगे तब होगा, ओ टू स्टीम के फॉर्म में है, यहाँ लिख दीजिए स्टीम, लेकिन हमें अभी मतलब नहीं है, हमें अभी सिर्फ अभी हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखो बैलेंस है क्या, नहीं है बैलेंस, ये मॉलिक्यूल सबसे बड़ा है इसको ले लो, तो एफ ई बैलेंस नहीं है, चलो एफ ई बैलेंस करो। एच टू क्या है, एच टू मॉलिक्यूल है, इसको एच में कन्वर्ट करो, तो यहाँ एच लिख दो, यहाँ एफ ई टू ओ थ्री लिख दो जैसे के तैसा, और वापस एच टू ओ लिख दो। एफ ई यहाँ दो हैं तो यहाँ टू एफ ई लिख दो, दो एफ ई लिख दिए हमने और एच लिख दिया। चलो अब देखो क्या है, अब एच तो लिख दिया, एच छोड़ो, ओ देखिए, ओ कितने हैं, यहाँ एक है, यहाँ कितने हैं, तीन है, तो यहाँ लिख दीजिए ओ तीन, टू एफ ई प्लस थ्री एच टू ओ, तीन ओ हो गए, और यहाँ पे भी एफ ई टू ओ थ्री प्लस एच, तो यहाँ पे कितने हो गए, ओ बैलेंस हो गए, एफ ई बैलेंस हो गया, बचा क्या एच, एच कितना है यहाँ सिक्स है, यहाँ कितना है एक है सिंगल, तो आप यहाँ पे लिखिए सिक्स कर दो उसको, टू एफ ई प्लस थ्री एच टू ओ एफ ई टू ओ थ्री प्लस सिक्स एच, बस सिक्स एच हो गया, अब कुछ नहीं, ये तो इवन नंबर है तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है, ऑड से इवन, तो इवन नंबर को आप मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिख दीजिए, टू एफ ई प्लस थ्री एच टू ओ एफ ई टू ओ थ्री प्लस थ्री एच टू, ये देखिए बैलेंस हो गई रिएक्शन, सभी चीज बैलेंस है। चलिए ये बैलेंस हो गई, तो आपको हमने दो तीन मेथड बताए ये छोटी छोटी रिएक्शंस को बैलेंस करने का। चलिए अब एक बड़ा एग्जांपल लेंगे रिएक्शन बैलेंस करने का, नहीं आप कहेंगे लो ये तो छोटे में काम करता है बड़े में करते ही नहीं है, बड़े में भी करता है, देखिए कैसे। टेंथ क्लास तक की जितनी भी रिएक्शन है आप उसको इसके द्वारा बैलेंस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम आपको एक और बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए ये लिखते हैं यहाँ पर, हम इसको भी रफ कर दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब रिएक्शन लिखने के काम आएगा, के टू सी आर टू ओ सेवन, ये पोटेशियम क्रोमेट, इसको आप रिएक्ट करवाइए, इसकी रिएक्शन क्या होती है प्लस एस सी एल, तो इसकी एक रिएक्शन होती है पर्टिकुलर, वो होती है के सी एल, के सी एल प्लस सी आर सी एल थ्री, सी आर सी एल थ्री प्लस एच टू ओ प्लस सी एल टू। देखिए ये हमारी एक रिएक्शन है और इसमें सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा है, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है इसमें के टू सी आर टू ओ सेवन, इसको चलिए बैलेंस करते हैं, ना तो इसमें के बैलेंस है, के बैलेंस नहीं है, सी आर टू यहाँ पे दो है यहाँ पे एक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हम लोग बैलेंस करेंगे। सबसे पहले क्या करें, के टू सी आर टू ओ सेवन प्लस एस सी एल, बस हम ये लास्ट रिएक्शन बता रहे हैं आपको, के सी एल प्लस सी आर सी एल थ्री प्लस एच टू ओ प्लस सी एल, इसको सी एल लिख लो जैसा बताया, मॉलिक्यूल से एटम, तो ये एटम बना लिया हमने, ये गैसियस मॉलिक्यूल है सी एल, तो ये क्लोरीन है सी एल टू, सी एल टू को हमने सी एल में कर लिया। अब देखिए अब क्या करना है, अब
बस बैलेंस करते हैं, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल ये है तो के, के को बैलेंस करो सबसे पहले, तो के टू सी आर टू ओ सेवन प्लस एस सी एल और टू के सी एल, यहाँ पे दो के हैं, यहाँ पे दो के कर दो, यहाँ पे सी आर टू कितने हैं, यहाँ पे दो सी आर टू है, यहाँ भी सी आर टू दो कर दो, टू सी आर सी एल थ्री प्लस एच टू ओ प्लस सी एल, और वैसी रिएक्शन लिख दी, यहाँ पे के टू दो थे इसलिए दो लिख दिया, यहाँ पे सी आर टू दो थे इसलिए यहाँ पे हमने सी आर टू को दो कर दिया। अब ये दो स्टेप में भी कर सकते हो, पहले के सी एल लिख लो फिर ये लिख लो, अपनी आसानी के लिए हमने इकट्ठा कर दिया। चलिए अब क्या करना है, अब आपका के बैलेंस सी आर बैलेंस ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं आपके, अब आपको देखिए सी एल तो एटम में किया सबसे लास्ट में हो जाएगा बैलेंस, अब आप ओ देखिए ओ सेवन, ओ यहाँ कितना है सेवन है, ठीक है तो ओ यहाँ सेवन है राइट, तो यहाँ पे सेवन ओ कर दीजिए, यहाँ पे ओ कितने हैं, यहाँ पे एक ओ है सिंगल ओ, तो वहाँ भी सेवन ओ कर दीजिए, के टू सी आर टू ओ सेवन प्लस एस सी एल टू के सी एल प्लस टू सी आर सी एल थ्री प्लस सेवन एच टू ओ प्लस सी एल, ठीक है सेवन एच टू ओ प्लस सी एल। अब देखिए ओ भी इक्वल हो गया, ओ सेवन हो गए, बस एच बचा आपका, एच बचा तो एच और सी एल बचा है, तो एच और सी एल यहाँ पे है देख लीजिए, सेवन एच टू ओ कितने फोर्टीन एच टू हो गए वहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लीजिए के टू सी आर टू ओ सेवन प्लस एस सी एल, फोर्टीन है वहाँ पे तो यहाँ पे लिख दीजिए फोर्टीन एस सी एल, कितने फोर्टीन एस सी एल, टू के सी एल प्लस टू सी आर सी एल थ्री प्लस सेवन एच टू ओ प्लस सी एल, ठीक है। अब आपकी ये रिएक्शन में सब कुछ बैलेंस हो गया है बस सी एल के अलावा, तो सी एल कितने हो गए यहाँ फोर्टीन हो गए, तो यहाँ पे आप 14 Cl लिख दो प्लस 14 Cl, देखिए 14 Cl लिख दिए हमने यहाँ पे, बस अब ये कितना है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसको कन्वर्ट कर दो ऑड नंबर में, वो मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दो, ऑड में जो नहीं है, तो चलिए यहाँ लिखते हैं के टू सी आर टू ओ सेवन प्लस 14 एच सी एल प्लस टू के सी एल प्लस टू सी आर सी एल थ्री प्लस सेवन एच टू ओ प्लस सेवन सी एल टू, तो ये रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस रिएक्शन। देखिए ये पूरे स्टेप हमने फॉलो किए और आसानी से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शन, नहीं सॉरी यहाँ पे गलती हुई है हमसे, देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, यहाँ पे Cl 14 है ये बात सही है, लेकिन लेकिन यहाँ भी तो Cl हैं, देखिए दो Cl यहाँ पे हैं और ये 3 और 2 6 Cl यहाँ पे हैं, तो टोटल Cl कितने हो गए यहाँ, यहाँ हो गए 6 और 2 8 Cl हो गए, टोटल 8 Cl हो गए यहाँ पे, और यहाँ 14 है तो बचे कितने हैं 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 6 Cl और चाहिए हमको, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 का, जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो Cl हमारे इक्वल हो जाएंगे, देखिए तो हाँ 6 का मल्टीप्लाई करिए क्योंकि ये Cl भी काउंट करने हैं ना, सिर्फ इस सिर्फ ये अकेला Cl थोड़ी है, ये भी तो Cl है यहाँ पे, तो ये हो गए 6 Cl, ये 2 Cl और ये आपके ये तो 6 Cl यहाँ लिख दीजिए, अब इसको लिख दीजिए 3 Cl2, तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। आपको कोई डाउट है तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से बताएंगे, हम आपको एक बार और समझा देंगे वीडियो बना के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी क्लास 10 तक की सभी रिएक्शन इससे बैलेंस हो जाएंगी और ये बहुत ही अच्छा मेथड है, अगर आपको फॉलो करेंगे तो मिस्टेक होने के कोई चांस
नहीं है, मिस्टेक होगी तो आप पकड़ लोगे। बस ये ध्यान रखिए कि सभी एटम जो इक्वल है होना चाहिए इस साइड और इस साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो ये स्टूडेंट ने हमारी डिमांड की थी कि बैलेंस ऑफ रिएक्शन पे एक वीडियो बनाइए, तो ये हमने आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से समझा दिया है। आने वाले वीडियो में एक और मेथड होता है पार्शियल मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, तो पार्शियल मेथड भी हम आपको अलग से समझा देंगे। जो रिएक्शन दो स्टेप्स में होती हैं वो रिएक्शन भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर वो समझ में आएगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, और अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, और सब्सक्राइब जरूर करिए आप इसको। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको ऐसे वीडियो और भी आपको मिलते रहेंगे ऐसे स्पेशल टॉपिक पे, और आप इस तरह से उसको सीखते रहेंगे। तो थैंक यू और फ्रेंड्स, ओके, गुड नाइट, सी यू।